ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज नाउ ब्लॉगिंग विद अनदर लाइफस्टाइल ब्लॉग। और अभी सुबह के 8 o'clock हो रहा है और सच बताऊँ तो यार आज जो प्लानिंग था ना मॉर्निंग में उठने का वो 7:30 तक ही था, मतलब 7 o'clock तक था, लेकिन लेट नाइट एडिटिंग की वजह से कहते हैं ना उठ नहीं पाया। बाकी अलार्म बजता रह गया, मतलब फ़ोन में मैंने दो अलार्म लगाया था, एक 7 बजने में 10 मिनट पहले का, फिर 5 मिनट पहले का, फिर 7 o'clock तक का, लेकिन तीनों अलार्म में मैं उठ नहीं पाया गाइस, सच बता रहा हूँ। बाकी यार आज आई नो दैट कि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग मतलब शूट कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग, क्योंकि अभी तक तो मेरा हॉन्टेड वीडियो सीरीज़ चल रहा था और साथ ही साथ मैंने एक नया सीरीज़ भी चालू किया था नैपटॉक करके, जो कि मे बी मैंने आज अपलोड करूँगा वो वीडियो को, और ये जो लाइफस्टाइल ब्लॉग वीडियो है वो कल अपलोड होगा। बाकी आज का जो मतलब वीडियो शूट करने का मेरा मकसद है ना, वो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हम लोग क्वारंटाइन में कैसे कैसे मतलब काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा हम लोग का होने वाला है क्वारंटाइन के दिनों में, जब से लॉकडाउन चला है तो क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब के बारे में आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यार एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न आज मैंने लिया है, जो कि कैसा होने वाला पता नहीं, लेकिन ये डिसीज़न बताऊँगा। पर उससे पहले फ्रेश व्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और साथ ही साथ आज पानी आने का दिन है, तो टाइम तो अभी हमारे पास 3 घंटा, पानी जाने में 3 घंटा यानी कि नहाना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बता रखा है कि जिस दिन पानी आता है उस दिन नहाता हूँ, और पानी जो होता है एक दिन कैपिंग करके आता है। तो चलो कोई नहीं, अभी हम लोग फ्रेश व्रेश होंगे और उससे बाद हम लोगों ने जो डिसीज़न लिया मैं बताया ना आप लोग को, बड़ा डिसीज़न है तो वो बताऊँगा। पहले फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले एक काम करना है मुझको, जो कि सारा काम करने के बाद मॉर्निंग का बताऊँगा आपको। तो चलो कोई नहीं, बट उससे पहले यार हम लोग जो डेली अपना मॉर्निंग रूटीन में पीते हैं वो है अपना, आप लोग देख सकते हैं ड्रिंक है, तो बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि ये वो ड्रिंक है जिसके अंदर हम लोग हॉट वाटर प्लस नींबू एंड हनी को मिलाकर पीते हैं, जो कि हमारे लिए सुबह सुबह फैट लॉसेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और आजकल मतलब कोरोना टाइम मतलब चल रहा है तो इसमें भी सजेशन दिया जाता है कि आप नींबू को पानी के साथ मिला के पिया करिए, तो आप भी करो ट्राई, बहुत ही बेस्ट है और फैट लॉसेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए हम पीते हैं, और उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो का एम जो है 14 लाइक का टारगेट, तो आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए फ्रेश व्रेश हो लिया और मुंह भी धो लिया, और जैसा मैंने बताया था कि फ्रेश व्रेश होने के बाद आप लोग को मैं जो इम्पोर्टेंट आज का काम है वो बताऊंगा। तो आज का जो बहुत ही मेन मैंने डिसीजन लिया है वो है गाइस बालों को छीलना। आप लोग देख सकते हो इतने मतलब मुश्किल से बाल एक तो बड़ा हुआ है और उसको आज हम लोग छीलने वाले हैं इसलिए, क्योंकि यार देखो क्या है ना कि मेरे जो कॉलेजेस शुरू होने में अभी 2 मंथ है, यानी कि 2 मंथ में तो यार बाल छीलने के बाद अच्छे खासे बाल आ जाएंगे और साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, और क्वारंटाइन में यार बाहर जाना भी थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि बाहर जितना ना जाओ उतना सही है और लोगों से दूर भी रहो, तो इस कारण डिसीजन लिया कि इससे अच्छा 2 महीने घर पे ही रहना अभी, तो बालों को छील लो। लेकिन इतना तक तो ठीक था, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि दाढ़ी और मूछ दोनों को छीलने वाले गाइस, क्योंकि कॉलेजेस में क्या है कि दाढ़ी मूछ रखना नहीं है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारा डिटेल बताऊंगा, तो इसलिए इसको थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करने के लिए छीलने वाले, पता नहीं कैसे लगने वाले गाइस। तो अभी तो चार्जिंग लगाए वो मशीन, तो चलिए आज घर पर ही छीलने वाले हैं, और खुद से मैं छीलूँगा या मम्मी हेल्प करेंगी, तो पूरा मतलब काम करने के बाद ही मिलते हैं, मतलब छील उल लेते हैं उसके बाद नहाएंगे और फिर आपको मिलते हैं और दिखाते हैं कैसा आज हमका कैसा लुक हम लोग का सही लग रहा है आज। तो चलो गाइस अजीब भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि कहीं लुक बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन चलो करना है यार, 2 महीने कुछ करना नहीं है तो घर पे रह के और क्या करना है। तो चलो फटाफट करते हैं, हमारे प्यारे बाल आज जाने वाले हैं, चलो फटाफट इसे भी छीलते हैं। सो फाइनली बाल छीलना हमारा हो चुका है और साथ ही साथ दाढ़ी भी, यार सच में बड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन क्या करें हैबिट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज शुरू होने के बाद से क्या है कि हमें ऐसे ही जाना है, हालांकि बाल रहेगा सर पे लेकिन दाढ़ी नहीं रहेगी, तो इसलिए दाढ़ी भी आज साथ ही साथ छीला हुआ है। आई डोंट नो कैसा लग रहा हूँ तो आप कॉमेंट कीजिएगा बाल को छोड़ के, हाँ ये एंगल सही है तो इस एंगल में देखिएगा, और साथ ही साथ पिंपल का यार पूछो मत, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो चलो अब इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना है अभी। चलो कोई नहीं, बाकी पता नहीं थोड़ा अजीब भी लग रहा है और कैसा लगा पता नहीं चलेगा। बाकी अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोग, लेकिन वीडियो हम लोग का अपलोड हो चुका है, आई नो दैट कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो चलो कोई नहीं, तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और भाई को आप लोग देख लीजिए ये। हे गाइस, इधर आओ, कैमरे को जूम करो, हाँ लो जूम करो, मारूंगा
इसको रहने दो, तो अभी स्टडी कर रहा है आप लोग देख सकते हो लैपटॉप में, और ऐसी बकवास भी करे जा रहा है। सीधा छक्का लगाने दे। तो चलो हम भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट अभी निकल रहा है और निकलने के बाद हम लोग दिखाते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट हमारा निकल चुका आप लोग देख सकते हो। तो आज मंगलवार है तो लहसुन प्याज बनना नहीं था, तो इसलिए कोई नॉनवेज नहीं है, साथ ही साथ मैगी बना हुआ है और चना जो हमारा डेली बेसिस पे रहता है, और रोटी है और दूध है। तो बिना लहसुन प्याज के भी जो हमारा ब्रेकफास्ट है बहुत ही सही है, क्योंकि एक महीने में देखा जाए मैगी बना है, मैगी हमारा फेवरेट है, और चना भी है तो जो कि डेली बेसिस पे खाते हैं तो ये फेवरेट ही हो चुका है, और दूध, मतलब मिला जुला के आज का देखा जाए ना तो डाइट बहुत ही सही है। बाकी चलिए फटाफट लोग नाश्ता करते क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है गाइस। गुड आफ्टरनून गाइस, तो दोपहर के अभी 2 बजने वाला है और सच बता रहा हूँ मतलब कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मतलब सो गया था एग्जैक्टली। उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं था, मैंने बताया था आप लोग को कि जब कोई काम होता है तभी मैं आपको मतलब प्लानिंग बताता हूँ, और अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो घर में ही मतलब पूरा टाइम स्पेंड करना होता है। हालांकि हम लोग शाम को जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। बाकी अभी तो कुछ किया नहीं खास, सो ही रहे थे कब से। और बाकी चलिए अभी खाना खाने के लिए उठे हैं, तो देखते हैं आज खाने में क्या है। और बाकी आज सोचा था कि नेल कटिंग भी करूँगा, प्लानिंग तो था, क्योंकि नाखून आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब कि टकला तो हो ही गए हैं, और साथ साथ दाढ़ी भी मतलब हटा लिया, मूंछ भी हटा लिया। फीलिंग थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब जब जब देख रहा हूँ ना आईने या कश्मीर से शरीर टच भी हो रहा है तो बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं चलो हैबिट होगा धीरे धीरे, और बाकी अभी इसका भी जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा पीपल हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो। तो बहुत चीज़ों का भी जुगाड़ करना है अपनी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, तो चलो धीरे धीरे करेंगे। अभी तो पहले खाते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट प्लान होता है। तो निकलने दीजिए खाना। तो खाना हमारा निकल चुका है, तो आप लोग देख सकते हो जो खाना है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का बना हुआ है। चावल है, दाल है, पापड़ है, भुजिया है, दही है और सैलेड है। और भाई तो आप लोग देख लीजिए शुरू भी कर दिया, वो भी एकदम प्योर देसी स्टाइल में, जैसे भोज भात बढ़ता है ना उसी स्टाइल में, तब देख लीजिए सारे चीज़ों को एक साथ सान कर खाया जा रहा है। तो चलिए हम भी फटाफट खाना खा लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो आज प्योर वेज बना हुआ है, मतलब कि लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं है और ना ही कोई नॉन वेज। तो मंगलवार में यही हो जाता है कि बिल्कुल ही कहते हैं ना कि ऐसा खाना खाना कि क्या बताऊँ, लेकिन खाना आज का कहना है कि टेस्टी बना है। होता ना कि डेली मतलब खाना ना, जैसे नवरात्रि चला था तो उस दिन डेली खाना एक ही चीज़ को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अभी 1 वीक में एक बार बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट प्लान बनता है तो आपको हम बताते हैं। तो फाइनली खाना हो गया है, और सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना हो गया था, मतलब खाना बहुत ही ज़्यादा अधिक हो गया था, तो पेट पूरा फुल है। और सच बता रहा हूँ अभी तो रेस्ट भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि सोना भी हो गया था, आप लोग देख रहे थे, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद कब से सो रहा था, तभी मतलब नींद भी नहीं आ रही है और प्लानिंग भी नहीं उतना, क्योंकि 5 बजे भी उठना है यार, तो सोचा सोऊँ लेकिन अभी नहीं, बाकी अभी थोड़ा कुछ काम कर लेते। तो अभी मेरा यही सजेशन रहता है कि बहुत लोग अभी फ्री होते जैसे मॉर्निंग में नहीं सोए या कुछ टाइम अभी पास करने के लिए, तो मेरा सजेशन है कि यार आप कुछ मूवी देख लो। लॉकडाउन चला है, घर से तो बाहर मत ही जाओ, क्योंकि जो जा रहा है बहुत ही बकवास काम कर रहा है। तो अभी के लिए क्या करो कि यार आप लोग गेम खेलो, जैसे मैं क्या करता हूँ अपने टाइम पास के लिए यूट्यूब से मूवी देख लेता हूँ, साउथ मूवी हो गया, या अभी पे हम लोग गेम कंपटीशन करते हैं, तो आप भी ऐसे चीज़ें किया करो, उससे आप टाइम घर पे ही बिता पाओगे, और भी बहुत से गेम्स हैं जो आप घर में खेल सकते हो, तो आप किया करो। बाकी हम अभी मूवी देखेंगे, बाकी मूवी का नेम तो नहीं मूवी का नेम नहीं दिया है, तो ऐसे ही देख रहे हैं। तो हम मूवी देखते हैं, उसके बाद नींद आया तो सोएंगे, फिर शाम को आज एक्सरसाइज भी है, तो चलो बताएंगे अपना नेक्स्ट प्लान। गुड इवनिंग गाइस, तो शाम के 6 बज चुका है और सच बता रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए। एग्जैक्टली प्लान जो था हमारा वो 6 o'clock का था, लेकिन सिक्स ओ क्लॉक हो रहा है, प्लान हमारा 5 o'clock का था उठने का, क्योंकि उस वक्त मतलब उठने के बाद हमें एक्सरसाइज करना था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तो हमारा एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाएगा, तो यही हो गया कि आज का एक्सरसाइज थोड़ा मिस है। बाकी चलो कोई नहीं, आज मुझे लगता है अपने फ़ोन में अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई का कोई भरोसा नहीं, आप लोग देख सकते हो अभी भी मूवी देख रहा है, और इसको बोला उठाने को तो क्या लगेगा। तो चलो कोई नहीं, फ्रेश व्रेश होते हैं और देखते हैं कुछ शाम का नाश्ता है कि नहीं, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट प्लान हमारा बनता है तो बताते हैं। तो चलिए मुँह धो लिया, आप थोड़ा फ्रेशनेस टाइप लग रहा है, और बाकी नाश्ता का तो आज नाश्ते में क्या है ना कि चना है और मूंगफली, जो कि शाम के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हालांकि एक्सरसाइज हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो खाना बनता है, क्योंकि थोड़ा भूख लगा रहता है। और बाकी यार अभी तो जैसा मैंने बताया लॉकडाउन में हम लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं, तो देख ही लिया पूरे दिन तो सोया, नहीं तो टाइम मतलब पास करने के लिए तो मैं एबी पे गेम खेल रहा था, वरना
मतलब कि फ़ोन में मतलब मूवी सूवी देख रहा था, बाकी प्लानिंग एक्सरसाइज का भी था तो हुआ नहीं, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि अभी जैसा ही मतलब फिटनेस जितना सही रहता है ना उतना मतलब कोरोना से थोड़ा सेफ्टी भी रहता है, तो हिसाब से आप भी फिटनेस रखो, ऐसे हम लोग जैसा अभी इग्नोर मत करूँ। और बाकी अभी हम लोग बाहर जाने का प्लानिंग तो होगा लेकिन नॉर्मली होगा, देखो चांसेस कितना है। और खासकर सच बताऊँ अभी मतलब बाल छीनने के बाद और मुँह दाढ़ी तो अजीब लग रहा है, आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है, तो फर्स्ट फीलिंग है यार। आई नो कि बाल अभी नहीं छीनना चाहिए था दाढ़ी के साथ, नहीं चलो दोनों कर लिया, उसके बाद अब तो बाल बढ़ता रहेगा, 2 महीने हैं हमारे पास। और दाढ़ी अभी रखूँगा और दाढ़ी में भी मैं बताऊँ जब बाल अच्छा खासा आ जाएगा तब छीनना शुरू करूँगा, अभी तो जैसा आएगा आने दो। और सच बता रहा हूँ एक्सपीरियंस का तो पूछो मत यार, क्या बताऊँ, मुझे अजीब लग रहा है, मतलब छूने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ उड़ गया या कुछ हुआ है, बहुत अजीब लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और देखते हैं बाहर जाने का प्लान बनता है कि नहीं। तो गाइस सोचा तो नहीं था कि बाहर घूमने आएंगे, क्योंकि यार कैब मिल नहीं रहा था, कब से ढूंढ रहा था, मतलब नाश्ता करने के बाद शाम का सोच रहा था कि कैब मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इन द एंड में सोचा ऐसे ही चला, कौन सा कि देख रहा है कोई, मास्क ऐसे भी सही लगा ही हुआ है, तो इसलिए हम लोग आ गए। बाकी आप देख सकते हो ये तो कब का निकला हुआ था बाहर, और लगाया मैंने सॉरी मास्क। और बाकी आप लोग देख सकते हो जो साइड आप लोग देख सकते हो, कोई इतना ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहा, बस नॉर्मली जो लोग हैं वॉकिंग करने के लिए हैं अभी, वो भी शाम टाइम ही और मॉर्निंग टाइम पे, बाकी पूरा दिन निकलना अलाउ नहीं होता है। बाकी अभी निकले हैं तो चलो वॉकिंग करते हैं, थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ विदाउट कैप निकला, वो भी पहले दिन ही, मतलब अबे मत कर यार। तो ये कब से परेशान करके रखा हुआ है ना, मतलब बार बार सर पे रख रहा है, सर पे दिमाग गर्म हो रहा है। बाकी यार दिमाग गर्म है, मैं ठंडा कर रहा हूं। नहीं नहीं बाकी अगर देखा जाए तो एक तो मूछ और दाढ़ी भी छील लिया ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मास्क हटाने का मन ही नहीं कर रहा। तो देखो जिसको देखना, मुझे कौन सा कोई पहचानने वाला है, तो चलो ऐसे ही वॉक करते हैं और मजा लेते हैं। सो फाइनली घर पे आ चुके हैं और साथ ही साथ हाथ मुंह धोकर सैनिटाइजर भी कर लिया है, यानी कि प्योर मतलब कि सेफ है। बाकी आप लोग को मैंने पूरा रास्ता दिखाया था कि कितना मतलब रास्ता खाली था, मुश्किल से एक या दो लोग जो थे वो घूमने आ रहे थे बाहर, वो भी नाइट वॉक के लिए। बाकी यार आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा घर पे भी रहना उतना आलसपन ये सब ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग नाइट वॉक पे निकले थे, तो थोड़ा बॉडी को अच्छा फ्रेशनेस मिलता है। बाकी उसके बाद आने के बाद तो आप लोग सेफ्टी देख ही लिए थे और मास्क तो हमारा डेली बेसिस पे था ही, तो चलो कोई नहीं। और सच बताओ यार विदाउट कैप का एक्सपीरियंस बहुत ही भद्दा लग रहा था, इसलिए ज़्यादा घूमे भी नहीं हम लोग। बाकी अभी घर पे हैं तो अभी खाने की तैयारी हो रही है, मैं दिखता हूँ खाने की क्या बना पता नहीं, लेकिन यार क्या बताऊँ आज बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब विदाउट मास्क, मतलब मास्क क्यों था विदाउट कैप बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं घूम लिया, अब कल जाएंगे कैप लेने के लिए। तो खाना हमारा निकल चुका है आप लोग देख सकते हो, और सुबह की तरह आज भी मतलब कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और आज थोड़ा स्पेशल भी है, देख लीजिए पूरी है और साथ ही साथ खीर है, सेवई है, सेमिया, और साथ साथ आलू की सब्जी जिसमें बटर मिक्स है, और सैलड हमारा डेली पे। और भाई को तो देख सकते हो, तो उसका देसी पना ही खाना स्टाइल में रहता है, लोग देख लीजिए पता नहीं क्या क्या मिक्स कर करके। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और सच बताऊँ विदाउट लहसुन प्याज इतना टेस्टी टेस्टी खाना मतलब कि पूछो मत। तो चलो खाते हैं, उसके बाद मे बी अगर होगा तो नाइट वॉकिंग का प्लान होगा, लेकिन अभी तो खाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ प्लान नया बनता है तो। सो गाइस दोपहर की तरह अभी रात का भी खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, और सच बता रहा हूँ पेट बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है, भर चुका है। बाकी अभी आज का मतलब बाहर जाने का प्लान तो है, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज ट्यूसडे है तो आज थोड़ा ऑयलिंग करेंगे, हालांकि बाल नहीं है लेकिन फिर भी ऑयलिंग करना जरूरी है, बहुत ही हेल्दी रहता है और सही रहता है, ग्रो में हेल्पिंग करता है। और बाकी आप भाई को देख सकते हो गिटार प्रैक्टिस किए जा रहा है, तो अभी रेस्ट करें क्योंकि अभी थोड़ा खाना बहुत ज़्यादा हैवी है ना तो चला नहीं जाएगा, तो इसलिए अभी ये गिटार प्रैक्टिस कर रहा है, और अभी तो पीछे मैं ऑयलिंग करूँगा आज, ताकि थोड़ा हेयर जो है ना ग्रोथ होने में बहुत ही अच्छा हेल्प मिले। और ये देखिए तो हाँ आम बहुत अच्छा खासा है यार, ये तो देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा आम जो है ना इधर मिलने लगा है, तो अचार डालने के काम आता है, बहुत सारे आम पकने के लिए भी रखा गया, तो अभी दिखाऊँगा कभी अगले ब्लॉग में। तो अभी तो ऑयलिंग करते हैं, बस अभी ऑयलिंग कीजिए, तो चलो ऑयल करते हैं और फिर बाहर हम लोग निकलेंगे। तो सच बात है यार, मतलब कि बाल ना हो फिर भी ऑयलिंग करो ना तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि वाह पूरा सर का जो भी मतलब होता है ना कि इधर उधर की बातें सब भूल जाओ, बस एक रिलैक्सपन मिलता है, सारा स्ट्रेस जो होता है ना वो सारा दूर हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सपन मिलता है, सच बता रहा हूँ यार। और अभी तो प्लानिंग किया था कि मतलब ऑयलिंग का मेरे को याद नहीं था, अभी याद है थोड़ी देर के, आज ट्यूसडे है और कल के दिनों में मैं शैम्पू करता हूँ, हालांकि उतना नॉर्मल शैम्पू आजकल है, बाल नहीं है, लेकिन अभी पूरा फुल प्रोटेक्शन करना है हेयर,
ग्रोथ में, मतलब कि पूरा जो जो मतलब लगे ना उसको लगा देना हेयर ऑयलिंग के लिए, क्योंकि जो इस वक्त बालों का ग्रोथ है ना, हाँ तो वही तो बहुत चीज़ें हम लगाएंगे, तो आपको मैं दिखाता रहूँगा जो इस बार मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 मंथ है और मुझे 2 मंथ में अच्छा खासा हेयर उगा लेना है, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें करूँगा हेयर प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ होने में हेल्प करने के लिए। तो अभी तो ऑयलिंग करते हैं, और फिर अभी भाई भी गिटार कर रहा है, जैसे ऑयलिंग खत्म होगा उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे, तो अभी तो मजा लेते हैं। सो फाइनली नाइटवॉक हम लोग आ चुके हैं, और आज थोड़ा नाइटवॉक में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि फ़ोन का जो 400 डिस्चार्ज 100 कैमरा हम लोग लेके जाते नहीं नॉर्मली, क्योंकि बड़ा अजीब भी लगता है और भी लगता है, क्योंकि इतने रात को अगर कैमरा लेके जाओ तो आप समझ सकते हो, तो इसलिए कैमरा लेके गए नहीं थे, तो चार्ज भी नहीं था इसलिए फ़ोन, तो आज रिकॉर्डिंग नहीं हो। लेकिन फाइनली हम लोग ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 राउंड लिए थे, उसके बाद आके सैनिटाइजर किया, और उसके बाद अभी घर पे हैं। बाकी फिर से भाई को आप लोग देख सकते हो, लग गया गिटार प्रैक्टिस में, और कब तक चला गया इसका पता नहीं, तब तक हम भी एडिटिंग करेंगे वीडियो को, और कुछ है नहीं। और बाकी मैंने जैसा बताया था कि हमारा 2-3 सीरीज़ चल रहा है नैपटॉक, और साथ साथ अभी एक नया सीरीज़ शुरू करना है फिट इंडिया से, तो करेंगे लेकिन जल्दी करेंगे, अभी के लिए तो बस काफ़ी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो यार 15 लाइक का टारगेट दिया तो उसे कंप्लीट करो, कमेंट करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और बेल आइकन दबाना हमारी हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को वॉच करके हमें सपोर्ट करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।